हमारा माइक लगा चुके हैं और इस वक्त हम पहाड़ के ऊपर है, स्कूटी लेके आए हुए हैं। हम दो तीन दोस्त हैं और यहाँ आसपास बहुत बड़े बड़े पहाड़ है और यहाँ पे मंदिर भी है यहाँ पे, और ये बड़ी बड़ी चट्टाने गिरी हुई है। और यहाँ पे कोई आया भी हुआ है गाड़ी वगैरह लेके, तो इस वक्त हम मंदिर के अंदर चलते हैं। तो आओ इधर, इस वक्त मैं काम चल रहा है यहाँ पे, टीन वगैरह लगी हुई है, मैकेनिक वगैरह का काम चल रहा है। और यहाँ अंदर पुजारी वगैरह भी बैठे हुए हैं। और इस वक्त ऐसे हालांकि मंदिर बंद हुआ पड़ा है क्योंकि तो शाम होगी बहुत ज़्यादा। और नायक पंडित जी हैं वो भजन सा गा रहे थे। यहाँ मंदिर आ चुके हैं, ये बहुत बड़ा हॉल है, ये पंडित जी के पैर छूते हैं। चलो नमस्कार पंडित जी। और यहाँ मंदिर आ चुके हैं, आप मंदिर के ऊपर चलते हैं। इस वक्त मतलब आश्रम था छोटा सा, यहाँ पे पंडित जी वगैरह रहते हैं, तो ये कमरा बना रखा है, एक छोटा सा हॉल है। और ये इधर मंदिर है, आए तो हम पहली बार ही आए हैं, हालांकि वैसे दोस्तों के साथ आते रहते हैं, कभी मंदिर के अंदर नहीं आए कभी भी। और यहाँ पेड़ वगैरह भी उगा रखे हैं। इधर मंदिर हल्का सा वैसे बाहर पट वगैरह खुले हुए हैं, तो मंदिर के अंदर चलते हैं, लोग खा लेते हैं यहाँ पे। ये मंदिर है आगा, अंदर पूजा मंदिर में आ चुके हैं, यहाँ पुजारी वगैरह बैठे हुए हैं अंदर। और ये माता रानी का मंदिर है, यहाँ अंदर पुजारी बैठे हुए हैं, तीन माताएं और कलश वगैरह है। तो आप दूसरी साइड चलते हैं मंदिर के, कम मंदिर के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ ही एक छोटा सा आश्रम सा बना हुआ है, यहाँ पंडित जी वगैरह रहते हैं। और हम अब ऊपर मंदिर की तरफ जा रहे हैं, मतलब मंदिर का एक तरीके से पिछला भाग कह सकते हैं। और वैसे हालांकि बंद हुआ पड़ा है ये मंदिर इस वक्त, तो ताले लगे हुए हैं, हालांकि पुजारी जी अंदर बैठे होंगे शायद, तक पूजा वगैरह करते हैं, ध्यान वगैरह में बैठे रहते हैं। और यहाँ पेड़ वगैरह भी उगा रखे हैं। और ये यहाँ पहाड़ में तो चट्टाने वगैरह मैं आपको बताते हैं, चट्टाने भी बहुत है। और ये मंदिर है यहाँ का, हालांकि बंद पड़े हैं, देख सकते हैं आप गेट बंद हुआ पड़ा है। और ये माता रानी का मंदिर है यहाँ पे, तो हम वहाँ पे चलते हैं, यहाँ से चलते हैं आगे, यहीं से दूसरा रास्ता है, एक नीचे का भी है वापस उसी रास्ते से, ठीक यहाँ से ये शॉर्टकट कह सकते हैं इसको। ये चट्टाने एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई है बिल्कुल एक तरीके से, बोल सकते रोक सकते हैं। और यहाँ ये बालाजी का मंदिर है, और ये यहाँ नीचे की जगह है, और तो कम नीचे आ चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, तो कोई बुजुर्ग आदमी वगैरह आए तो वो ऊपर नहीं आ सकता। एक ही छोटा सा आश्रम यहाँ पे है, और बहुत सारे भाई भी मटने पंडित जी वगैरह रहते रहते हैं। और इस वक्त हम ऊपर जाएंगे, तो चलते हैं। ये हमारे यहाँ ये छोटे मोटे प्रोग्राम होते रहते थे, देखो अभी 30 मई 2023 बुधवार को हुआ था ये भी किशनगढ़ में। और यह बालाजी का मंदिर है, तो बालाजी के मंदिर में चलते हैं। ये पेड़ है, यहाँ पे सब अपने धागे वगैरह बांध के चले जाते हैं इच्छा अनुसार, जिसको कुछ मांगना होता है। यहाँ पहले पैर छू लेते हैं और अंदर आ जाते हैं। और ये बालाजी का मंदिर है, अंदर चलते हैं इसको। क्या बात है, बैठे हैं यहाँ पे। कहाँ से आए हो? हम किशनगढ़ से आए पंडित जी। यहाँ पर रख दो पैसे। हाँ
यहाँ पुजारी जी अपने भाई घी वगैरह की रात की तैयारी कर रहे हैं शाम की आरती की। और शाम की आरती की तो बस अपनी दूसरी साइड चलते हैं। और यहाँ ये राम जी के चरण रखे हुए हैं, यहाँ पर इसलिए भी पैर छू लेते हैं। हनुमान जी के मंदिर में होया है, पंडित जी शाम की पूजा के लिए तैयारी कर रहे हैं, घी वगैरह की पत्ती भिगो रहे हैं। और वैसे हालांकि शाम हो चुकी है तो थोड़ी देर के लिए पट वगैरह बंद करेंगे। यहाँ ये सामने पुजारी भी आए हुए हैं और एक मंदिर वहाँ पे ये मतलब तरवाड़ा मंदिर की। और यहाँ पे एक छोटी सी बस्ती भी बसी हुई है या खेत वगैरह है, ये जहाँ छोटा सा किसी ने होटल सा हट सा खोल रखा है एक छोटा सा। और हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं और अब हम हमारे पास के खाटू श्याम जी के मंदिर में जाएंगे। और वहाँ 11 को बहुत अच्छा मेला भी भरता है, बहुत सारी जनताएं भी आती है। तो गाइस इस वक्त हम श्याम जी के मंदिर में आए हुए हैं और इसे हम जा रहे हैं श्याम जी के मंदिर। यहाँ छोटा सा गार्डन है, पब्लिक वगैरह भी बैठी है यहाँ पे। और ये देखो बहुत बड़ा सारा है यहाँ पे, देखो ये। और पब्लिक भी आई हुई है यहाँ पे बहुत सारी। तो मंदिर के अंदर चलते हैं हम। तो गाइस ये श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी यहाँ बैठे हुए हैं, किशन जी और राधा जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये विष्णु जी यहाँ बैठे हुए हैं। और ये पीछे की साइड है यहाँ पे इसको। और इधर ये कृष्ण भगवान की छोटी सी मूर्ति वगैरह बनी हुई है, ये हनुमान जी की हुई है।